बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ की जानिब से ये वादा किया गया था कि जैसे मेरी हुकूमत आएगी, मैं तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। तो फाइनली गाइस वो उन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिया। तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दोबारा फिर आगाज़ हो चुका है। जो ख़ानदान गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, वो BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर से देख लेना है। जो दोस्त पहले बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से 12,000, 5,000 या 3,000 रुपये की इमदाद ले रहे थे, उन ख़ानदानों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि अब आपको हुकूमत की जानिब से अब आपको छोटी इमदाद नहीं, अब आपको बड़ी इमदाद दी जाएगी। जो ख़ानदान पहले 12,000 की इमदाद ले रहे थे, अब उन ख़ानदानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 20,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। आप इस प्रोग्राम में किस तरह अप्लाई करेंगे, क्या तरीके का, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के चंद मिनट की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलेगा इस वीडियो के जानने पर, तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको दो तरीकेकार दिए गए हैं। सबसे पहला जो तरीकेकार, आप एक नंबर पर SMS सेंड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीकेकार है, आपको एक वेब पोर्टल दिया गया है, उस वेब पोर्टल को आप सबसे पहले तो ओपन कर ले। उसके बाद आपके पास एक पर्ची होना जरूरी है जो उसके NSER की जानिब से दी गई है। NSER के मतलब यह है कि आपके हुकूमत की जानिब से सर्वे हुआ और आप इस इमदाद के हकदार हैं, गरीब हैं, तो आपको इमदाद मिलेगी। आपने पर्ची के ऊपर फार्म नंबर दिया, फार्म नंबर लगाना है, नीचे अपना मोबाइल नंबर लगाना है, वेब पोर्टल को ओपन करने के बाद, ठीक है, लगाने के बाद मालूम कर टाइप करना और आपके नाम को दोबारा फिर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके नाम को फॉर एग्जाम्पल नायल कर दिया जाता है या फिर आपको इमदाद नहीं दी जाती है, आपको जांच पड़ताल में रखा जाता है, तो साथ साथ आपको दरख्वास्त के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।